हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब राधे राधे, आप सबका स्वागत है द यूनाइटेड स्टे इन्फो चैनल पे। आज आपके लिए लेके आए अंबरनाथ वेस्ट चिकलोली में 1 BHK 2 BHK रेडी पोजीशन विद OC रिसीव्ड प्रॉपर्टी। तो चलिए प्रॉपर्टी देख, प्रोजेक्ट दिखाने के पहले एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है तुलसी शरणम, एग्जैक्टली डेवलपर का नाम है तुलसी इस्टेट। प्रोजेक्ट का लोकेशन है अंबरनाथ बदलापुर के बीच में, चिकलोली करके लोकेशन आता है अंबरनाथ वेस्ट में। एग्जैक्टली लोकेशन काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए बताता हूँ लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन और बदलापुर रेलवे स्टेशन के बीच में प्रपोज रेलवे स्टेशन आ रहा है जिसका नाम है चिकलोली। उस चिकलोली रेलवे स्टेशन, प्रपोज रेलवे स्टेशन से ये प्रोजेक्ट हार्डली 800 मीटर के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस ओनली 10 मिनट्स का है। तो आगे चलते हैं, पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आइए, ये प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपका व्हीकल जो भी रहेगा 2-व्हीलर 4 यहाँ से आप आ सकते हो, जा सकते हो। एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, 24 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहेगा, सिक्योरिटी कैबिन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बताना चाहूँगा, एग्जैक्टली पूरे प्रोजेक्ट में CCTV कैमरा लगाए चुके हैं। उसके साथ ये फायर फाइटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट के लिए। और एग्जैक्टली आपको इसका पानी का स्टोरेज दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा स्टोरेज दिया हुआ है डेवलपर ने। वाटर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में 3 पार्टीशन है, एक पार्टीशन में फायर फाइटिंग का स्टोरेज है, एक पार्टीशन में बोरविल का स्टोरेज है जो कि नेचुरल रिसोर्स है, और एक पार्टीशन में ZP जिला परिषद नगर परिषद का कनेक्शन आ चुके हैं एग्जैक्टली। और दूसरा चीज़ आपको आगे में प्रोजेक्ट का ओपन स्पेस और एमिनिटीज दिखाता हूँ, किस तरह से ओपन स्पेस और किस तरह से एमिनिटीज प्रोजेक्ट में है। तो आइए, जैसे मैंने पहले बताया गया, इस प्रोजेक्ट को 2 एक्सेस है। एग्जैक्टली मेन एक्सेस मैंने आपको दिखाया, दूसरा एक्सेस है। इस एक्सेस से डायरेक्ट मेन रोड से कनेक्ट होता है, जहाँ से आपको अगर सीधा ऑटो पकड़ना है या बस पकड़ना है तो इसका आप उपयोग कर सकते हो। ये जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हूँ, एग्जैक्टली जॉगिंग ट्रैक है, ये पूरा जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, स्क्वायर एंगल में पूरा जॉगिंग ट्रैक रहेगा। सामने दिख रहा है सेल्स ऑफिस है, जो कि कुछ ही दिनों में ये सेल्स ऑफिस टूटेगा, और उसके बाद में मंदिर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एमिनिटी सेक्शन बनने वाला है आगे। और ये जॉगिंग ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, ये जॉगिंग ट्रैक पूरा स्क्वायर एंगल में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पूरा स्क्वायर एंगल में आपको जॉगिंग ट्रैक मिलेगा। ये आपका किड्स प्ले एरिया का सेक्शन है, यहाँ पे आपके बच्चे खेलेंगे, यहाँ पे आप बैठ के उसका पूरा आनंद ले सकते हो। नीचे ग्रास आर्टिफिशियल ग्लास लगाया हुआ है, अगर बच्चे गिरते भी है तो उनको नीचे नहीं लगेगा। ये पूरा बच्चों का किड्स प्ले एरिया का सेक्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पे किड सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, सीनियर सिटीजन अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। अब हम बिल्डिंग के रूफटॉप पे, मतलब टेरेस पे, ये पूरा व्यू एक जबरदस्त व्यू दिख रहा है ना चिकलोली का। आपको पता है 1995 में पहला प्रदर्शन दिया था चिकलोली में एक बड़ा टाउनशिप का, जो कि श्रीराम डेवलपर ने दिया था 1995 में। इसका प्रोजेक्ट का नाम था सृष्टि हिल, उस समय ये मंदिर भी बना था शिव मंदिर, अभी काफ़ी फेमस है, शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ रहती इस मंदिर में। 1995 में प्रदर्शन दिया हुआ है छोटी छोटी बिल्डिंग्स का। अभी चिकलोली में एग्जैक्टली क्या है आप सामने देख रहे हो, ये एग्जैक्टली नया चिकलोली है जो सामने आपको दिख रहा है। ये जो सामने जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है ना आपको, ये जो बिल्डिंग्स बनी है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बन के, ज़्यादा टाइम पहले शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब 2013-2012 के आसपास कहीं कॉन्क्रीट का बीज इस जमीन पर डाला था। तो अभी ये सारा पूरा जो जंगल दिख रहा है कॉन्क्रीट का, ये पूरा जंगल खड़ा है। यहाँ पे आने का और एक रीज़न था, ये सारा चीज़ दिखाना था, क्योंकि चिकलोली प्रपोज रेलवे स्टेशन आने वाला है सब, ये एग्जैक्टली काफ़ी दिनों से चल रहा है, आएगा। तो यही रीज़न है जो आपको दिखाया, यही रीज़न के वजह से चिकलोली स्टेशन आएगा। अभी ये रीज़न क्यों है, क्योंकि काफ़ी जो क्राउड जो आया, मुंबई का क्राउड आके यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुका है, और अंबरनाथ और बदलापुर रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा बर्डन आ चुका है, इसके वजह से ऑप्शनली चिकलोली रेलवे स्टेशन आना ज़रूरी है। तो यही रीज़न था। एग्जैक्टली आपका सोसाइटी ऑफिस है, यहाँ पे आपके सोसाइटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप रख सकते हो। इस बिल्डिंग को 2 लॉबी दिया हुआ है, 2 एक्सेस है। ये आपका एंट्रेंस लॉबी पहला दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके आगे दूसरा भी एंट्रेंस लॉबी है वो भी दिखाता हूँ। एग्जैक्टली आप यहाँ से आगे आते हो तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है पार्किंग का एरिया। यहाँ पे स्टिल पार्किंग जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पार्किंग के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का अलॉटमेंट, पार्किंग अलॉटमेंट नहीं दिया है। एग्जैक्टली ये दूसरा लॉबी है। अभी लॉबी किस तरह से है इनसाइड में आपको अंदर, ये आपका एंट्रेंस लॉबी, लॉबी एंट्रेंस लॉबी, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड रहेगा,
और यहाँ पे एग्जैक्टली दोनों लॉबी से कनेक्ट करने वाला पैसेज है, यहाँ से आप दूसरे लॉबी को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एलिवेटर है जो कि आप आपके फ्लोर तक पहुँच सकते हो, और यहाँ पे आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्लब हाउस के लिए एक्सेस है, जाके यहाँ से आप क्लब हाउस में डायरेक्ट इन कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा था कि दूसरा लॉबी भी है, तो पहले दूसरे लॉबी से आप क्लब हाउस में एक्सेस करते हैं। तो आइए मैं दूसरा लॉबी दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्टली हम दूसरे लॉबी से कनेक्ट हो चुके हैं, ये दूसरा लॉबी है, ये दूसरा लॉबी का एंट्रेंस, कमिंग एंट्रेंस है, और एग्जैक्टली यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, और यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपका स्टेयरकेस है, दूसरा लॉबी से दूसरा स्टेयरकेस, और यहाँ पे आपका एलिवेटर है, यहाँ से भी आप दोनों लॉबी से दोनों स्टेयरकेस दोनों एलिवेटर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से भी आपको क्लब हाउस में एक्सेस दिया हुआ है, हर एक लॉबी से क्लब हाउस में एक्सेस है, जैसे कि उस लॉबी से भी क्लब हाउस में एक्सेस है, ये लॉबी से भी क्लब हाउस में एक्सेस है। ये जो ओपन एरिया दिख रहा है क्लब हाउस के अंदर, एग्जैक्टली यहाँ पे बच्चों के लिए इनडोर गेम्स, यहाँ पे रहेंगे बच्चों के लिए इनडोर गेम्स। और यहाँ पे दो बाथरूम दिया हुआ है, एक बाथरूम दिया हुआ है लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, और एक बाथरूम जो दिया हुआ है ये है जेंट्स के लिए। और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली जिम सेक्शन चालू होता है, यहाँ पे जिम सेक्शन दिया हुआ है, जिम का इक्विपमेंट ये है एग्जैक्टली ट्रेडमिल, ये सारा इक्विपमेंट दिया हुआ है जिम का, यहाँ पे डंबल्स है। तो ये एग्जैक्टली आपका इन हाउस जिम है जो कि आपका सोसाइटी का क्लब हाउस का रहेगा, और यहाँ पे दूसरे लॉबी से आप डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से ले सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस दूसरे लॉबी से है एग्जैक्टली। और दूसरा चीज़, ये सारी एमिनिटीज़ के लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, ओनली मेंटेनेंस, जो मंथली मेंटेनेंस है आपका 1 BHK के लिए 1200 रुपया और 2 BHK के लिए 1800 रुपया उतना ही पे करना है। इतनी सारी एमिनिटीज़ के लिए कुछ भी हेडन कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। अभी ऊपर चलते हैं, मैं आपको भी 2 BHK के फ्लैट दिखाऊंगा, इसमें 1 BHK के फ्लैट भी अवेलेबल है, तो चलिए फ्लैट देखते हैं। ये जो लिफ्ट है थाइसन कंपनी का लिफ्ट है, इसमें बैटरी बैकअप दिया हुआ है, लाइट रहे या ना रहे 24 घंटा वर्क करेगा। तो चलिए अभी हम फ्लैट में चलेंगे, आइए। फ्लोर लॉबी है, यहाँ पे ऑटो सेंसर लाइट है, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली जलेगा। इससे क्या होता है, इससे आपका सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आए। चलिए अभी फ्लैट देखते हैं, आइए। वेलकम टू 2 BHK, ये आपका 2 BHK का लिविंग रूम है। ये 2 BHK 860 का बिल्डअप एरिया है और 600 का कारपेट एरिया है। ये स्पेसियस लिविंग रूम 9x15 का लिविंग रूम है, उसको अटैच ओपन टेरेस दिया है, लंबा चौड़ा 9x10 का। यहाँ पे आप बैठ के पार्टी शार्टी भी कर सकते हो, या चाय कॉफी भी पी सकते हो, या बैठ के नेचर का व्यू लेते रिलैक्स भी कर सकते हो। नीचे जो दिख रही है वो सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ के ओपन पार्किंग में आती है। चाय से याद आया, चलो किचन देखते हैं, आइए। ये आपका स्पेशियस किचन 7x9 का, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ की है वो सारी ब्रांडेड है, जैसे कि ये पानी का टैप एक एरोवीट का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वाटर प्योरीफाई के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्लाइडिंग विंडो रहेगा किचन में, उसके साथ एग्जॉस्ट के लिए जगह दी हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रिल लगाया हुआ है। उसके साथ आपको ये बताना चाहूँगा, आपके किचन के वॉल स्टाइल पे आपको कजारिया का वॉल स्टाइल मिलेगा। यहाँ पे आपको आपके मिक्सर और ग्राइंडर के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रिज के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। अभी आपको मैं बाथरूम और बेडरूम दिखाता हूँ, तो चलिए आइए। आपका बाथरूम यहाँ पे बार WC कंबाइंड रहेगा, ऊपर ओवरहेड पे आपको वाटर स्टोरेज के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ये आपका कॉमन वॉशरूम आपका फुल वॉल स्टाइल कजेरा का दिया हुआ है, और प्लम्बिंग फिटिंग केरोवीट का है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, इसको आप किड्स बेडरूम बोल सकते हो, 9x9.5 का बेडरूम है, आपके बच्चों के लिए अच्छा बेडरूम है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रिल लगा के भी मिलेगा। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में, तो आइए मास्टर बेडरूम में। ये रहा आपका मास्टर बेडरूम,
ये 9x11 का स्पेशियस मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ पे भी ग्रिल लगा के मिलेगा। यहाँ पे ये मास्टर टॉयलेट दिखाता हूँ, ये रहा आपका मास्टर टॉयलेट, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है। ये जो वॉल साइल देख रहे हो कजारिया का वॉल साइल है, प्लम्बिंग फिटिंग केरोविट का है। इस तरह से आपका मास्टर टॉयलेट रहेगा। अभी जो आपने 2BHK देखा, इसका प्राइसिंग है 38 लाख ऑल इंक्लूसिव। अगर आप 1BHK देखते हो तो उसका प्राइसिंग है 25 लाख ऑल इंक्लूसिव। ये दोनों अमाउंट निगोशिएबल है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट कम है तो केवल आपको 5% देना है। 95% लोन अवेलेबल है। ये प्रॉपर्टी रेडी पोजेशन OC रिसीव्ड प्रॉपर्टी है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप YouTube चैनल पे देख रहे होंगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे होंगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आ सके। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।